नमस्कार दोस्तों, तो आइए आज हम देखते हैं कि आयुष्मान भारत की डेली ओपीडी और मंथली ओपीडी को किस तरह से अपडेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो इसका एड्रेस है उसको मैंने इस तरह से होम स्क्रीन पे बनाया हुआ है, आप भी इस तरह से होम स्क्रीन पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक पासवर्ड ऑटोमेटिक सेव है यहाँ पर कैप्चा में है, यहाँ फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद में यहाँ हमें इसे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद में ये सेंटर का नाम आ गया। अब यहाँ नीचे दो ऑप्शन आते हैं, व्यू डेली एंट्री, ऐड डेली एंट्री। तो ऐड डेली एंट्री पे जो हम डेली एंट्री करते हैं वो आपको नॉर्मली पता ही है कि यहाँ से डेट लेते हैं। डेट लेने के बाद में जैसे सपोज़ मैंने यहाँ लिया 9 तारीख, मेल फीमेल कितने पेशेंट है, मेल कितने पेशेंट्स हुए, फीमेल कितने पेशेंट्स हुए, जैसे मेल 5 हुए, फीमेल 5 हुए, अदर जेंडर कोई नहीं 0, यहाँ टोटल फॉल 10 ऑटोमेटिक लिख के आ चुका है। देन उसके बाद में टोटल पेशेंट हुआ वेल्ड फ्री एंड इसेंशियल, टोटल पेशेंट डिस्पेंस्ड फ्री एंड इसेंशियल मेडिसिन, कितने लोगों को दवा दी गई है। ऐसा होता है कि जैसे 10 मरीजों में से हमने 8 मरीजों को दवा दी और 2 को रेफ़र कर दिया। तो सपोज 8 को हमने मेडिसिन दी तो 8, कितने मरीज पेशेंटों का हमने आज डायग्नोस्टिक टेस्ट किया। ठीक है, चाहे फ्री वाला कोई सा भी डायग्नोस्टिक टेस्ट, चाहे एच बी हो चाहे एन सी डी वाला हो, सारा टोटल करके और यहाँ पर लिख देंगे कितना हमने डायग्नोस्टिक किया, कितने लोगों का हमने टेली कम्युनिकेशन किया वो लिख देंगे। देन क्या योगा सेशन ऑर्गेनाइज हुआ नहीं हुआ, अभी ये योगा फैसिलिटी काफ़ी जगह पर नहीं चल रही है, और उसके बाद में हम यहाँ सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी सबमिट है इसलिए मैं यहाँ सबमिट नहीं कर रहा हूँ। देन आती है बात व्यू करने की, इसको तो जैसे जनवरी में आप पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं, जनवरी में कितनी कितनी यहाँ ओपीडी चढ़ी हुई है। ठीक है, अब आती है बात के मंथली रिपोर्ट कैसे एंटर करनी है। तो ऊपर जो मेन मेन्यू पे 3 लाइन है यहाँ चेक करना है, यहाँ चेक करके क्लिक करके, और ये यहाँ व्यू रिपोर्ट पे देख सकते हैं हम डेली रिपोर्ट, एसडी मंथली रिपोर्ट और बैलेंस एंट्री रिपोर्ट, 3 चीज़ें हैं। डेली रिपोर्ट में डेली रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, मंथली रिपोर्ट में मंथली में कितनी रिपोर्ट फिल की हुई है वो बस देख सकते हैं, और बैलेंस एंट्री रिपोर्ट में कोई यदि हमने बैलेंस पे और अदर एक्टिविटी की है वो चीज़ यहाँ पर एंटर होती है। ठीक है, उसके लिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ये बैलेंस एंट्री रिपोर्ट। ठीक है, जैसे हमने 4 अप्रैल 2020 को एक अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड-19 टू टारगेट ग्रुप किया, हेल्थ टॉक की 35 लोगों के बीच में हमने अवेयरनेस रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम किया, तो वहाँ यहाँ हमने डेली रिपोर्ट में ये चीज़ मेंशन कर दी, मतलब एक्स्ट्रा इवेंट में ये चीज़ मेंशन कर दी बैलेंस एंट्री रिपोर्ट में। ठीक है, अब आते हैं मंथली रिपोर्ट के, मंथली रिपोर्ट कैसे फिल करना है। तो डाटा एंट्री में गए, ऐड मंथली एंट्री, मंथ हमने चूज़ किया, जैसे सपोज़ दिसंबर का हमें रिपोर्ट भरना है तो दिसंबर का हमें डेट डालना होगा। ठीक है, देन कम्युनिटी आउटरीच, कितने उसमें कम्युनिटी आउटरीच में लिखा है, पहला इंडिविजुअल इम्पैनल्ड, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके और इसकी डिटेल आ गई, इम्यूनिटी इंडिविजुअल इम्पैनल्ड में क्या भरना है, टोटल इंडिविजुअल इन्यूमरेटेड लाइन लिस्टेड बाई आशा इन द रिपोर्टिंग मंथ, आशा के द्वारा कितने इंडिविजुअल्स को बताया गया। ठीक है, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, आशा ने कितने लोगों को लाइन लिस्ट किया, कितने लोगों के नाम आशा ने चढ़ाए, ठीक है, अपने रजिस्टर में, जैसे सपोज़ 200 तो 200। फिर सीबैक, कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फील्ड, कितने भरे गए, टोटल कम्युनिटी
बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट फील्ड बाई आशा फॉर इंडिविजुअल 30 ईयर और अब इन द रिपोर्टिंग मंथ। यहाँ पे आशा ने कितने सी बैग भरे, आशा ने, आपने टैबलेट पे चढ़ाया नहीं चढ़ाया उससे नहीं, मतलब आशा ने कितने भरे, आशा के लिए लिखा हुआ है तो आपने कितने सी बैग उनसे भरवाए, जैसे सपोज़ 200 200। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्क्रीनिंग। इस मंथ में हाइपरटेंशन के लिए मेल फीमेल की कितनी स्क्रीनिंग की गई, जैसे सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे 100 100 और अदर्स की 0। सेम डायबिटीज़ के लिए 100 100 और अदर्स के लिए 0। सेम ओरल कैंसर के लिए 100 100 और अदर्स के लिए 0। ब्रेस्ट कैंसर केवल फीमेल्स में ही होगा। यदि आपने टेस्ट किया है, स्क्रीनिंग की है, तो आप फिल कर सकते हैं, और यदि नहीं हुई है स्क्रीनिंग, ANM के द्वारा स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 25 हुआ। सर्वाइकल कैंसर जैसे अभी हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, तो यहाँ हम 0 भर दिया। ठीक है, उसके बाद में इस मंथ में कितने नए पेशेंट आपको BP शुगर के मिले, जैसे मेल में 1 मिला, फीमेल में 1 मिला और अदर में 0 मिला। जैसे डायबिटीज़ मेल में 1 मिला, फीमेल में कोई नहीं मिला और ये अदर में 0। ओरल कैंसर में कोई नहीं मिला, फीमेल में कोई नहीं मिला, 0 0। ब्रेस्ट कैंसर में 0 कोई नहीं मिला, सर्वाइकल कैंसर में 0 स्क्रीनिंग ही नहीं हुई। इंडिविजुअल्स ऑन ट्रीटमेंट, आपके सेंटर पे अब तक कितने लोग ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं। ठीक, इंडिविजुअल्स ऑन ट्रीटमेंट, तो वो आपको यहाँ भरना है। ठीक, ये इंडिविजुअल्स ऑन ट्रीटमेंट, जैसे मेरे सेंटर पे ऑलरेडी ये लोग 15 मेल 12 फीमेल, 20 शुगर के मेल, 10 फीमेल, अदर्स 0, ओरल कैंसर के कोई नहीं तो 0, ब्रेस्ट कैंसर के कोई नहीं तो 0, सर्वाइकल कैंसर के लिए कोई नहीं तो 0। देन नेक्स्ट इंडिविजुअल रेफर्ड फॉर स्क्रीनिंग, आपने इस मंथ में कितने लोगों को ट्यूबरक्लोसिस के लिए रेफ़र किया। ठीक, ट्यूबरक्लोसिस की जांच के लिए रेफ़र किया, जैसे हमने एक मेल को किया, तो एक मेल, या हमने सपोज़ कीजिए 5 मेल्स को किया तो 5 मेल्स। ठीक है, कोई ट्यूबरक्लोसिस का उनमें से पॉजिटिव आया, नहीं आया तो 0। यदि कोई आया जांच में आपके पास दोबारा, तो फिर उसकी क्वांटिटी। अभी टोटल कितने पेशेंट आपके सेंटर पे ट्यूबरक्लोसिस के चल रहे हैं, जैसे सपोज यदि एक मेल चल रहा है, एक फीमेल चल रही है, तो 1 1 और यहाँ 0। ठीक, अब आती है मेडिसिन की बात। टोटल पेशेंट रिसीव्ड एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन एट दिस सेंटर, आपके सेंटर पे से कितने लोगों को हाइपरटेंशन की मेडिसिन मिल रही है। तो जैसा कि हमने ऊपर यहाँ हाइपरटेंशन वाले कॉलम में 27 लोग भरे हैं, मेल फीमेल, अब सपोज कीजिए 27 में से हर कोई मेडिसिन नहीं लेने आ रहा है, तो सपोज़ कीजिए 20 लोग ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से डायबिटीज़ के हमारे पास पेशेंट है 30 हमारे सेंटर पर अब तक रजिस्टर्ड, तो 30 में से जैसे 20 ही लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब डॉट्स की 2 लोगों के चल रही है, दोनों लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट आती है अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल BP अपरेटस, आपका BP अपरेटस काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यस। ग्लूकोमीटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यस। आज के दिन तक आपके पास कितना ग्लूको स्ट्रिप का स्टॉक है आज के दिन तक, इस मंथ के लास्ट तक, तो वो ये क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, जैसे 200 अभी हमारे पास रखा है, तो हमने 200 भर दिया। CHO has received PBI for the month of November, यदि यस तो यस, नो तो नो। TBI given to Asha and MPW for the month of, ये TBI नहीं एक्चुअल में PBI ही है, सॉरी TBI नहीं, TBI है, ये टीम बेस्ड इंसेंटिव।
आशा और जो MPWs को दिया जाता है वो यस तो यस और नो तो नो और सबमिट कर देना है आपको। यहाँ सबमिट करते ही आपका डाटा जो मंथली रिपोर्ट है वो चढ़ जाएगी। इस तरह से हम यहाँ पे मंथली रिपोर्ट की एंट्री करते हैं और यहाँ आके हम डेली रिपोर्ट या मंथली रिपोर्ट में देख सकते हैं। दिसंबर में नवंबर में हर मंथ की यहाँ रिपोर्ट हो रही है, तो यहाँ सारी रिपोर्ट्स को इस तरह से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रिपोर्टिंग किस तरह से OPD पोर्टल पे की जाती है। अब बात करते हैं, जैसे कुछ लोग डेली डेली उसको लिंक को ओपन करना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए सीधा सिंपल सा सिस्टम है कि आपको यहाँ जाके आपने जो भी सेव किया हुआ है उसमें, जैसे आपने ये डाला, ये ओपन किया, उसके बाद में आप यहाँ जो रेड वाला जो एरो का निशान है यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद में लास्ट ही लास्ट में जो ये कॉलम आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। और इस पर क्लिक करते ही आपके यहाँ होम स्क्रीन पे एक इस तरह से ये एप्लीकेशन टाइप का सिंबल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी किस तरह से मंथली डेली रिपोर्ट्स की अपडेट करें। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।